हेलो जीएसटी टैक्स पेयर्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल टैक्स। आज हम आपको जीएसटी ड्राइव के एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले हमने पूरी डिटेल्स भी डिस्कस की है, बट आज हम एक इम्पॉर्टेंट एक फिक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें है कि अगर आपका जीएसटी कोई नॉन फिक्शीशियस या लीगल इलीगल फाउंड होता है तो डिपार्टमेंट किस तरह से एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि बेशक से आपका जीएसटी आपने सही तरीके से लिया है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लिए हैं, आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करके जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है, बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं जिन्होंने जीएसटी अपने नेम पे ना लेके या किसी भी इकोनॉमिकल वीकर पर्सन के नेम पे लिया हुआ है, इसका मतलब जीएसटी उनसे तो रिलेट नहीं करता है, बट फिर भी जो है वो उस जीएसटी का यूज़ करके बिजनेस कर रहे हैं अगर आपके साथ भी, तो इस जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़र फिर आप पे भी चली जाएगी एंड आपको भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप जिन भी लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका जीएसटी फेक है या फिर रियल है। तो आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है एक्शन टू बी टेकन बाय फील्ड फॉर्मेशन। अगर डिपार्टमेंट आपके बिजनेस लोकेशन पे विजिट करता है और उनको कोई भी प्रॉब्लम शो होती है आपका जीएसटी में, तो वो किस तरह से एक्शन लेगा। तो जैसे कि इसमें नोटिस में दिया हुआ है, ये नोटिस आपको आप वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। इसमें है ऑन रिसिप्ट ऑफ डेटा फ्रॉम जीएसटी डीजीआरएम थ्रू द नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर से जो भी जीएसटी एंड ऑफिसर्स को डेटा मिला है उसमें ये फाउंड हुआ है कि अगर वेरिफिकेशन में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर्टिकुलर जीएसटीएन के ऊपर मिलती है तो कंसर्न जुडिशियल टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा। आफ्टर डिटेल वेरिफिकेशन इट इज़ फाउंड दैट टैक्स पेयर इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड फिक्टिशियस। अगर डिटेल वेरिफिकेशन के बाद अगर पता लगता है कि टैक्स पेयर है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फिक्टिशियस है, तो उस पर इमीडिएटली इनिशिएट एक्शन है एक्शन लिया जाएगा, जिसमें जो है उनका जीएसटी सस्पेंड भी किया जा सकता है एंड कैंसिलेशन भी किया जा सकता है उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे फिक्टिशियस डेटा पे कैसे ले लिया, तो इसमें ये बात हुई थी कि किसी भी अनदर पर्सन के नेम पे आधार वगैरह लेके जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिए गए, अब उनका यूज़ किया जा रहा है फिक्टिशियस के लिए एंड इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसी चीज़ को फाउंड करने के लिए डिपार्टमेंट ने स्पेशल ड्राइव चालू की है। ड्राइव्स 16 मई से थी जो कि शुरू हो चुकी है। तो आपको जो है चीज़ों का ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आपको शेयर करती जाएगी। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ऑफ द सेड टैक्स पेयर इन अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविजन सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उनका जीएसटी जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा और कैंसिल भी किया जाएगा। फर्दर द मैटर में ऑल्सो भी एग्जामिन फॉर ब्लॉकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर। जो भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया जाता है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, रूल 86 एंड CGST एक्ट, विदाउट एनी डिले। ऐसा नहीं है कि टाइम दिया जाएगा, नहीं, कोई भी फिक्टिशियस एक्टिविटी मिलती है तो ऑन स्पॉट जो है जीएसटी सस्पेंड कैंसिलेशन या फिर इनपुट टैक्स जो है जो लिया जाता है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट टू होम द इनकम टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन पास्ड बाय सच नॉन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स मे बी आइडेंटिफाई थ्रू द डिटेल्स फर्निश फॉर्म GSTR 1। आपका GSTR 1 चेक किया जाएगा और उनसे भी जो है डेटा निकाला जाएगा। सपोज आपका जीएसटी तो ठीक है बट आपने जिनसे भी बिलिंग करी हुई है उनके जीएसटी फिक्टिशियस है या इलीगल एक्टिविटी के थ्रू लिया गया है, तो आपके भी जीएसटी को स्टॉप कर दिया जाएगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको इनपुट नहीं लिया जाएगा और एक डिटेल वेरिफिकेशन होगी। तो इसलिए आप भी ज़रूर चेक करिए कि आपके जीएसटी आप जिन भी लोगों से बिजनेस कर रहे हैं वो रियल है या उन्होंने फिक्टिशियस एक्टिविटी से अपना जो GSTIN लिया हुआ है। वेदर द रेसिपिएंट GSTIN पर्टेंस टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ सैड टैक्स ऑफिसर अथॉरिटी इटसेल्फ। सो टेबल एक्शन मे बी इनिशिएट फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड। अगर आपने गलत तरीके से ये फाउंड किया जाता है कि आपने जो टैक्स लिया है टैक्स क्रेडिट लिया है वो रॉन्ग तरीका है, सही नहीं था, आपको वो नहीं लेना चाहिए था, तो आपसे डिमांड कर जा सकती है और रिकवरी भी की जा सकती है। सच रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सैड नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर। जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है ही नहीं बट उन्होंने आपको GST बिल काट के दिया, आपने क्लेम कर लिया है, तो इस चीज़ को लेकर अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ वो, चाहे आप गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं या फिर सर्विसेज में बिजनेस कर रहे हैं, दोनों पर ही ये एप्लीकेबल होता है। इन केस वेयर द रिसिपिएंट GST पर्टेंस टू डिफरेंट टैक्स ज्यूरिडिक्शन।
ऐसा नहीं है कि अगर आप अलग अलग स्टेट से बिज़नेस कर रहे हैं, अलग अलग GST स्टेट से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके वेरिफिकेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप एक स्टेट में बैठे, सपोज़ आप दिल्ली में बैठे हैं और आप राजस्थान में किसी GST होल्डर से बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर ये फाउंड किया जाता है कि जो राजस्थान में बिज़नेस होल्डर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ के जो कंसर्न टैक्स ज्यूरिडिक्शन है उस पर वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ही आपके सिंगल स्टेट की जो ये वेरिफिकेशन चल रही है, ये एक चेन है, पूरे इंडिया में ये ड्राइव चल रही है। द डिटेल्स ऑफ द केस अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस मे बी सेंड टू द कंसर्न टैक्स अथॉरिटी। तो डेफिनेटली जो डिटेल्स है वो कंसर्न टैक्स अथॉरिटी को भेज दी जाएगी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि 2 महीने की ये ड्राइव है, तो डेफिनेटली बहुत ही स्पीड से काम होगा। इन द फॉर्मेट इनक्लोज एज एनेक्शर बी, अभी हम देखेंगे कि एनेक्शर बी में क्या चीज़ें दी गई हैं। थ्रू द नोडल ऑफिसर इन पैरा टू अबव, एक्शन मे बी टेकन टू आइडेंटिफाई द मास्टर माइंड और बेनिफिशरी फाइंड सच फेक GSTIN फॉर फर्दर एक्शन। जो एक्शन लिया जा रहा है किसके लिए, मास्टर माइंड मतलब कौन है इसका मास्टर माइंड जो इस तरह से फेक GST जो है वो क्लेम कर रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए वेर एवर रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर द रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, जो गवर्नमेंट के पास ड्यूज है उसकी भी रिकवरी की जाएगी एज अ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स। अगर आप उस समय पेमेंट नहीं करते तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या फिर बैंक अकाउंट्स है उनसे जो है रिकवरी कर ली जाएगी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 83 ऑफ द CGST एक्ट। फर्दर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन इफ एनी लिंक सस्पिशियस GSTIN इज डिटेक्टेड, अगर किसी भी स्टेप पे कोई ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी शो होती है, यह लिखा है इफ़ एनी लिंक सस्पिशियस GSTIN मतलब एक GST आपका GST और कई सारे GST से लिंक होता है तो सभी को चेक किया जाएगा, और अगर कुछ भी डिटेक्ट होता है किसी के पास भी तो एक्शन ऑन स्पॉट लिया जाएगा, डिले नहीं किया जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने बाद एक्शन लेंगे, नहीं, उसी समय एक्शन लिया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा एनेक्शर है। तो ये रहा आपका एनेक्शर, ओके। तो इस तरह का जो एनेक्शर ए एनेक्शर बी जो है डिपार्टमेंट में ये जो है GST ऑफिसर्स को दिया गया है, वीकली रिपोर्ट ऑन एक्शन इन स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। फेक रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑल इंडिया ड्राइव दी गई है उसके लिए यहाँ पे हमने स्टेट जोन डालेंगे, और ये देखिए वीकली एंडिंग, ये वीकली दिया जाएगा। तब आप सोच लीजिए इतनी बड़ी ड्राइव चल रही है और वीकली रिपोर्ट करना है, इसमें सारी चीज़ें सीरियल नंबर, नंबर ऑफ GST शेयर्ड बाय GST, उनको कौन से GST नोडल ऑफिसर्स को दिए गए हैं, नंबर ऑफ द GSTIN आइडेंटिफाइड एज लोकली, लोकली में कितने आइडेंटिफाइड हुए, टोटल नंबर ऑफ GSTIN टू बी वेरीफाइड, कितने GST वेरीफाई किए गए हैं और कितनों की वेरिफिकेशन कंडक्ट हुई है, एग्जिस्टिंग GSTIN कितने फाउंड हुए हैं और एक्शन टेकन, कितनों के ऊपर एक्शन लिया गया है, नंबर ऑफ GSTIN सस्पेंडेड, कितने जो GST है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, नंबर ऑफ GSTIN कैंसल, कितने GST कैंसिल कर दिए गए हैं, ITC ब्लॉक किया गया है रूल 86A के अंडर में, टोटल नंबर ऑफ GSTIN कितने ब्लॉक किए, कितने ITC ब्लॉक किए हैं, नंबर ऑफ GSTIN वेयर प्रोविजनल अटैचमेंट मेड अंडर 83 ऑफ CGST एक्ट। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या है, बैंक अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी, उनको प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा रिकवरी के पर्पस से, टोटल अमाउंट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स एंड ITC डिडक्टेड, कितना जो अमाउंट है टैक्स और ITC डिडक्ट हुआ है, टोटल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम GSTIN इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को कितना जो है GSTIN रिकवर करना है, नंबर ऑफ रिसिपेंट कितने हैं जिन्होंने जो है अपना क्रेडिट जो है टैक्स क्रेडिट लिया है गलत तरीके से, विद इन ज्यूरिडिक्शन लिया है या आउटसाइड ऑफ ज्यूरिडिक्शन लिया है, ये सारा डेटा उनको वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करवाना है डिपार्टमेंट को। ये था एनेक्शर ए, एंड द एनेक्शर बी हेयर है इंटीमेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ रिसिपेंट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर डिडक्टेड ड्यूरिंग द स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव फेक रजिस्ट्रेशन। जो इंटीमेशन दिया जाएगा जो नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं उनको, इस तरह से एक फॉर्मेट है जिसमें दिया जाएगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट, डिटेल इस तरह से फिल की जाएगी, GSTIN जो भी नॉन एग्जिस्टेंस है उनका नेम एड्रेस, रेसिपिएंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, कितना जो है इन्वॉल्व हो रखा है एस CGST SGST IGST सेस एंड टोटल, मतलब कितना अमाउंट जो है इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि डिपार्टमेंट को रिकवर करना है। सेम वही है एनेक्शर सी, GSTIN वाइज फीडबैक रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द एक्शन अगेंस्ट द सस्पिशियस GSTIN। तो ये डेटा जो है उनको वीकली बेसिस पे सबमिशन करना है।
तो ये थी कि अगर आपका GSTIN या फिर आपसे कनेक्टेड GST अगर फाउंड किए जाते हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है, तो डिपार्टमेंट किस तरह से एक्शन लेगा। तो ऑन स्पॉट एक्शन लिया जाएगा, या तो उसको बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ITC क्लेम को भी स्टॉप कर दिया जाएगा और एक्शंस लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं, रिकवरी करने के लिए डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर्टी एंड बैंक अकाउंट भी सीज कर देगा। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान से लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम जरूर अपडेट करेंगे आपको कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप जिन भी लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका GST फेक तो नहीं है। तो फेक GST को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही जल्द अपडेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली इसको शेयर करें, क्योंकि 2 मंथ्स की GST ड्राइव है जो शुरू हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Thank you so much.